छोटे से क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर आपने इनके साथ बलात्कार कर दिए, इनके घर जला दिए, इनके पूजा स्थल जला दिए, तो कहाँ सुरक्षित हैं और सुरक्षित क्यों नहीं है? सवाल ये है कि सुरक्षित क्यों नहीं है? राष्ट्रपति जी, देखिए मैं तो शब्द कड़वे हैं, सच्चाई है कि वो भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर बैठी हैं। हम सब आए हैं और आदिवासी समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है ये बहुत ही दुखद है और हमें इसके लिए बोलना होगा। घरों में बैठकर, एसी में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, मेरे साथ मैम है, इनसे बातचीत करेंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस है। मैम, क्या लग रहा है कि विश्व आदि दिवस मनाया जा रहा है, क्या भारत के आदिवासी सुरक्षित हैं? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और देश में बहुजन है, आदिवासी भी हैं, और आदिवासी सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। जो ये आज विश्व आदिवासी दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और आपने देखा कि आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है, ये सुरक्षा कहीं भी नहीं है। आदिवासी अगर सुरक्षित होते तो क्या उन पर खुलेआम भाजपा के नेता कार्यकर्ता, उन पर क्या हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, जो उनको अगर भारत का नागरिक भी समझते, अगर इंसान भी समझते, तो उन पर ऐसे खुलेआम पेशाब नहीं करते। और आदिवासी महिलाओं पर, बहुजन महिलाओं पर जो हत्याएं होती हैं, रेप होते हैं, और आदिवासी मणिपुर के जो कांड हैं वो भी आदिवासी महिलाएं थी, कुकी महिलाएं, उनके साथ जो हजारों की संख्या में गैंग रेप किया गया, ये सब आदिवासी समाज पर आज भी इनकी अपनी अलग संस्कृति है, अपना इनका कल्चर है। ये प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, प्रकृति पे निर्भर रहने वाले लोग हैं, ये तो किसी को परेशान भी नहीं करते, ये तो अपने हक अधिकार, इनकी जमीन ही सरकार छीनना चाह रही है। छोटे से क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर आपने इनके साथ बलात्कार कर दिए, इनके घर जला दिए, इनके पूजा स्थल जला दिए, तो कहाँ सुरक्षित हैं और सुरक्षित क्यों नहीं है? सवाल ये है कि सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या इन्होंने आपको वोट नहीं दिए? क्या ये इस देश के क्या आपके लिए कीड़े मकौड़े हैं, इंसान है ही नहीं? तो आदिवासी इस देश में सुरक्षित नहीं है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बहुजन सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित हैं, ना ही जैन्स माइनॉरिटीज और ना ही कोई और अन्य वर्ग इस देश में सुरक्षित है। राष्ट्रपति भारत की जो है वो आदिवासी समाज से आती है, फिर भी आदिवासियों की ये दशा आपको देख के कैसा लगता है? राष्ट्रपति जी, देखिए मैं तो शब्द कड़वे हैं, सच्चाई है कि वो भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर बैठी हैं। उन्होंने तो सिर्फ दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए कि हमने आदिवासी महिला को सम्मान दिया है, आदिवासी समाज को सम्मान दिया है, तो हमने राष्ट्रपति बना दिया है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति अपने समाज के लिए, अपनी महिलाओं के अधिकार की आवाज़ बोल भी नहीं पा रही, और जो संसद में बैठे हैं इतने गुलाम, वो नहीं जब बोल पा रहे, जो SC ST समाज के हैं वो जब नहीं बोल पा रहे, तो फिर और कौन बोलेगा? इस देश की जनता, आदिवासी, बहुजन, दलित, माइनॉरिटीज किससे गुहार लगाएंगी? क्या ये लोकतांत्रिक देश है? क्या ये धर्मनिरपेक्ष देश है? बहुजन समाज और आदिवासी समाज क्यों लूटपीट रहा है? क्या हालत हो रही है? अभी हमारी बहनें आ रही है मध्य प्रदेश से भी, वो भी महिलाओं का मुद्दा पैदल यात्रा मार्च करके आ रही हैं, वो रास्ते में हैं, अभी आएंगी, आप देखिएगा कि वो पैदल यात्रा करके कैसे, कहां से पैदल निकली हैं महिलाएं? वो MP से पैदल आई हैं और अब यहां से दिल्ली से अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर आ रही हैं पैदल यात्रा करके, और आएंगी और आपको बताएंगी। वो एक समाज सेविका है, वो किसी पार्टी संगठन से नहीं है, और उनके समर्थन में मैं आई हूँ। आपको मिल गया, विरासत में आपको सीट मिल गई और स्थान मिल गया, पद मिल गया, और आप बैठ के जो संघर्ष करते आ रहे हैं इतने सालों से, उन लोगों पर आप टिप्पणियां करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी आदिवासी कल्चर को, आदिवासी संस्कृति को अपनाते हैं और तमाम शो करते हैं, तो उसमें आदिवासियों को भी बुलाते हैं, उनका शो देखते हैं। देखिए, ये सब वोट की राजनीति है ना। वोट के लिए तो आप मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी चले जाएंगे, चर्च भी चले जाएंगे, गुरुद्वारे भी, आदिवासियों के पैर भी धो लेंगे,
शिवराज जी ने भी धोए, उस मूत्र कांड के जो हुआ था उस आदिवासी के पैर भी धोए, और उन्होंने क्या कह के माफ कर दिया कि हमारे गांव के ब्राह्मण हैं, उच्च जातियां हैं, तो उन्हें माफ कर दिया जाए। तो ये तो हमारी मूर्खता है, जितना हम मूर्ख अज्ञानता रहेगी उतना हमारा शोषण होता रहेगा, और जिम्मेदार हमारी अज्ञानता, हमारा शोषण, ये जाति है, जातिवाद है, इससे बाहर निकलो, मनुवाद से बाहर निकलो, और संविधान को पढ़ो, जानो, और अपने हक अधिकार की लड़ने के लिए लड़ाई खुद बाहर निकलो, कोई और नहीं लड़ने आएगा, और अपने इतिहास को जानो। जो अपना, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना भी नहीं सकती। तो क्या भारत में जाति देख के, समुदाय देख के न्याय दिया जा रहा है? बिल्कुल, जाति समुदाय देखकर न्याय होता है और अन्याय भी यही देखकर होता है। एक कृषि प्रधान देश नहीं, ये जाति प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश तो हो या ना हो, लेकिन अन्याय, अत्याचार और जाति प्रधान देश ये है। आप देख सकते हैं आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, विश्व स्तर पे आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जब भारत की आप सच्चाई देखेंगे तो आज भी भारत के आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। तमाम ऐसी खबरें आदिवासी दलित विरोधी भारत से ही आती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन तो के साथ मैं प्रियंका, जनहित आवाज़।